आज मैं आप लोगों को कच्चे पपीते की कोफ्ते की सब्जी बनाना बताऊंगी और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। कच्चे पपीते की सब्जी भी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जब इस तरह से बनाओगे आप। हेलो एवरीवन, निधि होम किचन में। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने एक आधा किलो का पपीता लिया है और इसको अच्छी तरह से छीलकर काटकर धो लिया था। धोने के बाद मैंने कद्दूकस से इसे ग्रेट कर लिया है सारे पपीते को। पपीते का जो भी एक्स्ट्रा पानी है हमें बाहर निकाल देना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच बेसन। फ़िलहाल अभी तो एक ही चम्मच डाल रही हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बेसन बाद में भी डाल सकते हैं। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला। अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। दो प्याज को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, आप चाहो तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकती हैं। अब इसमें मैं डालूँगी दो हरी मिर्च, बिल्कुल बारीक कट करके डालना है। आधी चम्मच नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालना। और सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला देना है। बेसन हमें इतना ही डालना है कि ये बाइंड होना शुरू हो जाए। आधी चम्मच आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर डाल के हमने दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिला दिया है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसका हम बैटर लेते हैं। तो बॉल बनाकर हमने देख लिया है, बस ठीक है। इसी तरह से हमें दोनों हाथों से बॉल बनाकर तैयार कर लेना है। अब हमें इसी तरह से छोटे छोटे सारे बॉल बनाकर तैयार कर लेना है। ग्राइंडर जार ली हूँ। ग्राइंडर जार में मैं टमाटर की प्यूरी तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने दो टमाटर को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया था। अदरक लहसुन साथ ही मैं इन्हें भी डाल देती हूँ। एक हरी मिर्च, इसके मैं दो टुकड़े करके डाल रही हूँ। आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। सभी चीज़ों को डालने के बाद ढक्कन लगा के हमें बारीक पीस लेना है। तो देखिए पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है टमाटर का। इसका कलर भी बहुत बढ़िया आया है। मीडियम फ्लेम पे तेल को गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम सारे कोफ्ते डालते जाएंगे। जितने कोफ्ते आ जाएंगे हम उतने ही इसमें डाल देंगे। अब इनको हम बीच बीच में डुलाते जाएंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। कोफ्ते पका रहे तो लो आंच पे ही पकाएं, हाई बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो अंदर से कच्चे और बाहर से जल जाएंगे। अब हम सारे निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे गैस को मीडियम ही रखें, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और इन्हें हम हल्के ब्राउन होने तक ही पकाएंगे। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके, तो हमने सारा तेल निकाल दिया है कढ़ाई से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले, जिसमें दालचीनी, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, चक्री फूल, जीरा और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से तड़कने दें। फिर इसमें डालना है बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तो प्याज को मैं यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक पका ली हूँ। प्याज हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी। बचे हुए मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी डाल दूँगी मैं। अब हमें टमाटर को अच्छी तरह से प्याज के साथ पका लेना है। अब टमाटर को भुनने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला। अब हमें मसालों को भी भून लेना है अच्छी तरह से। मसाले जले ना, इसलिए हमें गैस को लो पे ही रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी।
तो पानी आपको जितना ज़रूरत है उतना ही डालें। पानी डालकर उबाल आने दें, अभी हमें कोफ्ते नहीं डालना है। और साथ में सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। उबाल आने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। 2 से 3 मिनट ग्रेवी को मैंने अच्छी तरह से पका लिया था, अब इसमें मैं डाल रही हूँ सारे कोफ्ते। तो एक एक करके मैंने सारे कोफ्ते डाल दिया है। अब हमें ढक्कन लगा के 2 मिनट और सब्जी को पका लेना है। ग्रेवी को मैंने पहले ही पका लिया था, इसलिए हमें सब्जी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और हमें बीच बीच में इसे चेक भी कर लेना है। तो देखिए कच्चे पपीते की सब्जी कितना ज़्यादा टेस्टी बनी है, तो आप भी इसे ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में कमेंट करके भी बताइएगा कि हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो अब इस सब्जी को हम कर लेते हैं सर्व। इस सब्जी को पूरी, पराठा, चावल, रोटी के साथ खा सकती हैं। ऐसी और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए।